एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मृणालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक आपकी बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान लेके, जो कि है बालों की प्रॉब्लम। बहुत लोगों को बालों में बहुत दिक्कत होती है, किसी को बाल के झड़ने की, टूटने की, किसी के डैंड्रफ बहुत है, किसी को स्कल्प में प्रॉब्लम होती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, किसी को रैशेज हो जाते हैं, किसी के बालों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं बताती, मैं आपको कोई मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करवाती, मैं आपको जो भी बताती हूँ होम रेमेडीज बताती हूँ, मैं आपको घरेलू नुस्खे बताती हूँ, मैं आपको नेचुरली प्रॉब्लम्स का सलूशन बताती हूँ कि आप घर पे कैसे ही बिना दवाई के, बिना मेडिकेशन स्टार्ट किए हुए कैसे आपके प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्किन की केयर करते हैं, हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, पर हम अपने बालों के बारे में भूल जाते हैं। बट हमें याद रखना चाहिए जितना हमारा स्किन इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी इम्पॉर्टेंट है, उतने ही हमारे बाल भी इम्पॉर्टेंट है। बाल अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छे होते हैं, मुझे अच्छा दिखाते हैं, आपको अच्छा दिखाते हैं, आपके लुक को बेटर करते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो होता क्या है, हम लोग शैम्पू हाथ में लेते हैं, बालों को रगड़ रगड़ के धुलते हैं, इससे बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। आपको बालों को के साथ कुश्ती नहीं करनी है, आपको फाइट नहीं करनी है, आपको हाथ में शैम्पू लेना है, उसको गीला करना है। हमेशा शैम्पू ना घोल के लगाइए, आप किसी बर्तन में भी ले सकते हैं, आपको डायरेक्ट सिर पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप उसको लगाइए, आप उसको हल्के हाथ मसाज करिए स्कल्प पे, फिर आप उसको वॉश कर लीजिए। आपको ऑयल मसाज भी ज़रूर करनी चाहिए हल्के हाथों से बालों को, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज करने के लिए। बालों को ऑयल भी करना चाहिए आपको मसाज। तो मैं जो कुछ रेमेडीज बताने वाली हूँ आपको, वो है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले नीम का तेल और नारियल का तेल दोनों को मिक्स कर लेना है, इसको बालों में लगाना है, मेनली उसके स्कल्प पे लगाना है। इससे जिसको खुजली की, रेडनेस की, या स्कल्प पे रैशेस की दिक्कत होती है, बालों ड्राई होते हैं, बाल डैमेज होते हैं, उसमें बहुत हद तक हेल्पफुल रहती है, बाल को शाइनी बनाती है। द नेक्स्ट थिंग इज दही और नींबू का पेस्ट। मैंने भी बचपन में सुना था, ये तो सभी जानते होंगे कि दही नींबू का पेस्ट लगाते हैं बालों में, बट तब मुझे ये नहीं पता था कि किस लिए लगाते हैं। मतलब ये तो पता था किस लिए लगाते हैं कि जब भी किसी के सिर में डैंड्रफ होती थी, लोग कहते थे दही नींबू का पेस्ट लगा लो सही हो जाएगी। बट एक्चुअली जो दही और नींबू होता है वो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, हमारे बालों के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। तो आप इसको, डैंड्रफ क्यों होती है हमारे सिरों में, ड्राइनेस की वजह से। तो आपको ड्राइनेस को दूर करना है, आपको नींबू और दही का पेस्ट लगाना है, जिससे आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। तो थर्ड थिंग इज कि आपको नीम का पेस्ट और दही मिला के लगाना है। हम सभी जानते हैं नीम जो होता है बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है, और ये दही के साथ मिलके हमारे बालों को बहुत अच्छा करता है, हमारे बालों की समस्या को दूर करता है, बालों को अच्छा बनाता है, डैमेज होने से बचाता है, स्कल्प से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें दूर करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, और बालों को बढ़ने में भी मदद करता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि तेल में कपूर मिला के लगाना है आपको। तेल कपूर मिला के लगाने से सिर को ठंडक मिलती है, बालों को अच्छा लगता है। हमेशा जब भी आप मसाज करिए हल्के हाथों से बात करिए, मसाज करिए, उसके साथ फाइट नहीं करना है, बालों को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से मसाज करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके बाल शाइनी और सिल्की बनेंगे, डैंड्रफ फ्री बनेंगे। अगर आपको स्कल्प से कोई प्रॉब्लम है, रेडनेस की या रैशेस की या इचिंग की, उससे भी आपको होड़े फुंसियों की, बहुत लोगों को हो जाता है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और कुछ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।